दोस्तों सब्सक्राइब करें हिंदी एंड्रॉयड टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाए टिप एंड ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हिंदी एंड्रॉयड टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन की दो सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में हैं लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते। अगर आप उन्हें यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपकी मोबाइल की बैटरी आप 20% तक बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी इस सीक्रेट सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी बैटरी बैकअप को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हिंदी एंड्रॉयड टिप्स। दोस्तों आपको सेटिंग को ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है वाईफाई में। वाईफाई में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, एडवांस सेटिंग। हो सकता है आपके यहाँ पर ऑप्शन वाले सेक्शन में जहाँ 3 डॉट बने होंगे उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस सेटिंग मिल जाएगी, या फिर आपके ऊपर ही यहाँ पर वाईफाई के नीचे आपको मिलेगी सबसे नीचे एडवांस सेटिंग, आप उसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, कीप वाईफाई ऑन ड्यूरिंग स्लीप, ऊपर वाला ऑप्शन जो है दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में जो मिलेगा वो ऑलवेज मिलेगा और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों ये सेटिंग आपको यहाँ करना क्या है, इसे नेवर पर कर देना है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसे नेवर पर कर देंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपकी मोबाइल की बैटरी आप 20% तक बचा सकते हैं वाईफाई यूज़ करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हम वाईफाई को यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप जब भी वाईफाई को यूज़ करोगे तो ही आपके मोबाइल की बैटरी खपत होगी। अगर आप वाईफाई को ऑन कर देंगे और आप अगर उसे यूज़ नहीं करोगे तो दोस्तों आपकी मोबाइल की बैटरी खपत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि वाईफाई को ऑन कर देते हैं, उसे यूज़ करते हैं, फिर वाईफाई को ऑन ही छोड़ देते हैं और उसे फिर हम यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, वाईफाई बैकग्राउंड में जो है उसकी पुरसुत चालू रहती है और वो फिर हमारा मोबाइल जो है बैटरी को कम करता रहता है, इससे हमारी बैटरी बैकअप ख़राब होती है और बैटरी बहुत जल्दी कम हो जाती है, लो हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये सेटिंग को कर लेना है, यहाँ पर आपको नेवर को कर लेना है। नेवर पर कर देंगे तो दोस्तों आपके अपने मोबाइल की 20% तक बैटरी आप बचा सकते हैं ताकि आपका वाईफाई जो है बैकग्राउंड में प्रोसेस ना हो और आपके मोबाइल की बैटरी बची रहे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको इसे कर लेना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा होता है कि हम वाईफाई को ऑन करते हैं और यूज़ करने के बाद उसे ऑन ही छोड़ देते हैं और फिर हमारा वो बैकग्राउंड में जो है प्रोसेस चालू रहती है उसकी और फिर हमारी मोबाइल की बैटरी जल्दी लो हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गई हमारी पहली सेटिंग, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी सेटिंग की तरफ। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है नोटिफिकेशन स्टेटस बार में। तो दोस्तों आपको यानी कि नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में आपको जाना है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप नोटिफिकेशन, दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल की सभी एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब दोस्तों ये सेटिंग आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो आपको फालतू के नोटिफिकेशन भेजती रहती है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से भी हमारी मोबाइल की बैटरी पे काफ़ी असर पड़ता है, बैटरी खपत होती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, फेसबुक में दोस्तों कोई हमें रिक्वेस्ट भेजता है तो नोटिफिकेशन आता है, कोई कमेंट करता है तो नोटिफिकेशन आता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, मोबाइल की बैटरी पर काफ़ी असर पड़ता है और मोबाइल की बैटरी जल्दी लो होती है। और दोस्तों हमारे मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी होती है जो इनबिल्ड आती है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, मेक माई ट्रिप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो हमें फालतू में जो नोटिफिकेशन भेजती रहती है दोस्तों, जिसकी वजह हमें कोई ज़रूरत होती नहीं है और ये नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल की बैटरी को लो कर देते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आप उसे बंद कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अमेजोन है, यहाँ से आपको मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं इसकी नोटिफिकेशन को बंद कर देता हूँ। अगर दोस्तों आप नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे ऐसी फालतू की एप्लीकेशन के, तो भी दोस्तों आप अपनी मोबाइल की बैटरी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, इसकी खपत कम होगी। तो दोस्तों ऐसी करना है आपको, जो भी नोटिफिकेशन है इसे बंद कर दीजिए जो फालतू के है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कितने सारी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को पहले से बंद करके रखा है, मैंने फेसबुक की भी नोटिफिकेशन बंद करके रखा है, क्योंकि मैं फेसबुक को दोस्तों जाके ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पर सभी नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, तो काय के लिए इसे ऑन रखें और हमारी बैटरी बैकअप को ख़राब हो। दोस्तों ये भी सेटिंग आपको कर लेना है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ये सेटिंग अगर नहीं मिलती मोबाइल में, तो दोस्तों आप यहाँ नोटिफिकेशन पैनल से भी सेटिंग को बंद कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये एप्लीकेशन है यूनिवर्सल कॉपी, अब दोस्तों आपको इसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है तो आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ से दोस्तों आप सेटिंग को नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इस ऐप की नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी। इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल की बैटरी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और दोस्तों आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आपको एक और काम करना है, आपको बैटरी में जाना है,
सेटिंग में दोस्तों आपको मिल जाएगा बैटरी सेवर का ऑप्शन, आपको बैटरी सेवर को भी ऑन कर लेना है ताकि आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी लो ना हो, इसकी खपत कम हो। ठीक है दोस्तों, ये भी सेटिंग आप कर लीजिए ताकि आपके मोबाइल की बैटरी पैकअप बढ़े और आपको बार बार बैटरी को मोबाइल को चार्ज करने से छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों ये दो सेटिंग आपको बतानी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी सेटिंग है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आप काफ़ी हद तक अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हिंदी एंड्रॉयड टिप्स देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।